Hi guys, my name is Kashika. Welcome to my YouTube channel. And today's video is going to be very, very random. ये कोई skin care, makeup tutorial, acne skin care, shopping haul कुछ नहीं है. I have created a list of 10 things which are kind of weird and underrated, which every girl needs to own. They can make your life simpler, better, comfortable. मतलब कुछ भी बोलो, ये kind of life-saving hacks हैं जो हर एक लड़की के पास होने चाहिए. Without any further ado, let's get started. Make sure you have hit the subscribe button if you are new here. My name is Kashika. I make some amazing videos related to acne skin care, makeup tutorial, shopping hauls and everything, and ऐसी random videos भी बनती रहेंगी. So make sure you're part of my family. You have hit the red subscribe button and the bell icon as well, so that जब भी video आए आपको फटाफट से notification आ जाए आपके mobile phone के ऊपर. So now let's go. नंबर वन इज समथिंग फॉर ऑल द गर्ल्स जिनको अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम्स का बहुत शौक है. एंड क्या होता है ना, जो हमारे पास बड़ी बड़ी परफ्यूम्स की बॉटल होती है ना, उनके मिनिएचर या फिर ट्रैवल फ्रेंडली वर्जन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड जो ट्रैवल फ्रेंडली वाले छोटे छोटे मिस्ट होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते. लाइक मेरे पास बहुत सारे हैं, बट आई स्टिल लव माई फुल साइज वाला परफ्यूम. मेरा मन करता है मैं उसके साथ ट्रैवल करूँ, मैं कहीं इवेंट में जा रही हूँ तो मैं उसको लेके जाऊँ ताकि मैं टचअप कर सकूँ. एंड बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्लास बॉटल होती है. सो फॉर दोज गर्ल्स एंड लाइक मी, दिस इज अ लाइफ सेवियर. सो बेसिकली इट्स अ परफ्यूम ट्रांसफर बॉटल. अब यूजली क्या होता है, मिस्ट को तो आप ऊपर से खोल सकते हो, तो आप कोई भी छोटी जो स्किन केयर एंड ऑल के मिस्ट आते हैं ना, आप उसके अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो. लेकिन जो परफ्यूम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव अ परफ्यूम राइट हियर, मुझे इसको एक छोटी बॉटल में ट्रांसफर करना, आई कांट. परफ्यूम आप ऐसे नहीं खोल सकते, बहुत मुश्किल होता है इनको खोलना, सील्ड होते हैं ये. सो दिस इज बेसिकली अ परफ्यूम ट्रांसफर पोर्टेबल काइंड ऑफ पैकेजिंग. ये कुछ इस तरह से आती है, एंड ये लिटरली लिपस्टिक से भी छोटी है. यहाँ पे लेवलर दिया हुआ है, आप जैसे जैसे भरते जाओगे यहाँ पे आपको दिखता रहेगा. अब ये खाली है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा. एंड नीचे इसके यहाँ पे आपको एक ऐसा होल मिलता है, एंड वंस यू ओपन इट, इट्स लाइक नॉर्मल स्प्रे काइंड ऑफ थिंग. एंड लिटरली लिपस्टिक से भी ये छोटी पैकेजिंग है. नाउ कमिंग टू हाउ टू यूज दिस, जो नीचे होल है इसका, आपको बेसिकली आप कोई भी अपना परफ्यूम जो यूज़ करते हो, उसका ऊपर का भी जो ढक्कन होता है वो ऐसे निकल जाता है. मैक्सिमम परफ्यूम्स का तो निकल जाता है, आई डोंट नो आपके पास कौन सा फैंसी परफ्यूम है. ये पीछे की साइड से यू जस्ट हैव टू इंसर्ट, एंड देन यू हैव टू लाइक पुश इट लाइक सो. एंड वंस यू आर लाइक पुशिंग इट, यहाँ पे लेवल आगे आगे बढ़ता रहता है. एंड इसके अंदर जो है प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर हो जाते हैं. यू कैन सी मैंने 3-4 पंप किए हैं, एंड यहाँ पे मेरा हल्का हल्का प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया. आप इसको फुल भी पूरा फिल कर सकते हो, एंड नीचे से कुछ भी लीकेज एंड ऑल का नहीं होता. एंड देन यू कैन यूज इट इन योर बैग. लाइक हाउ गुड इज़ दैट, ये मतलब लाइफ सेवियर है. एंड काफ़ी लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने परफ्यूम्स के बारे में. आई हैव सीन गर्ल्स कैरिंग अ ह्यूज ग्लास बॉटल इन देयर बैग्स. अनसेफ है, लीक हो सकती है, ग्लास बॉटल है. सो उन सब के लिए ये अमेजिंग अमेजिंग ऑप्शन है. मैं जिन भी प्रोडक्ट की बात करने वाली हूँ, मैं नीचे आपको लिंक दे दूँगी. ये अमेजोन पर अवेलेबल है. आई डोंट नो, इसके और भी कलर्स आते हैं, सो आप कलर्स एंड ऑल चूज कर सकते हो अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो इनके कलर्स के बारे में भी. सो आई डेफिनेटली लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सेकेंड हैक इज़ फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर डन विद देयर शू बाइट्स. मतलब किसी किसी के शूज़ का साइज ऐसा होता है कि हर फुटवेयर उनको काटता है, एंड शू बाइट होनी जब स्टार्ट हो जाती है ना, योर डे इज़ रुइन्ड. आप कोई इवेंट में हो, कोई स्पेशल ओकेजन है, स्पेशली जो इंडियन वेडिंग के फंक्शंस होते हैं ना, आई डोंट नो, जितनी भी हील्स होती हैं इंडियन वेडिंग्स वाली, ये हद से ज़्यादा काटती हैं, पीछे रैशेज पड़ जाते हैं. एंड यूजली मैं ही पहले यही करती थी, कॉटन लगाते थे पीछे, कुछ ना कुछ कपड़ा इंसर्ट करते थे. लिविंग 2020 वी हैव हैक्स फॉर एवरीथिंग. सो दीज आर बेसिकली फुट स्टिकर्स, यू कैन से, और शूज स्टिकर्स, वट एवर यू कॉल इट. मैंने अली एक्सप्रेस से लिए थे 1 या 2 साल पहले. ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है, अमेजोन से खरीदो बेटर रहेगा, अली एक्सप्रेस अभी अवॉइड करो. सो दिस आर दे लुक्स लाइक. मैंने सेट ऑफ 4 लिया था, सो 2 मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं. मैं करंट जो शू बेली पहन रही हूँ, मैंने उसके ऊपर भी लगाए हुए हैं. मेरी एक इंडियन हील्स भी मैंने स्टिक किए हुए हैं. ये कुछ इस तरह से आते हैं, एंड पीछे इनके स्टिकर दिया हुआ है. पूरा इसको पील करोगे, पूरा ये स्टिकर है. एंड बेसिकली आपका जो पीछे जो फुट का एरिया होता है, आपको इसको ऐसे इंसर्ट करना होता है. मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कि मैंने अपने कौन कौन से फुटवेयर के अंदर ये लगाया हुआ है. कुछ फुटवेयर क्या होते हैं, आप बड़े साइज के ले लेते हो, या फिर आपका पैर स्लिप हो रहा होता है, बिकॉज पीछे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है इसे. सो ये उसको भी काफ़ी हद तक फिट कर देता है, एंड आई जस्ट लव इट. मैंने एक और मंगवाया था अलीएक्सप्रेस से, जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. लाइक ये थोड़े से सिलिकॉनिक काइंड ऑफ है. ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बिकॉज ये मुझे काफ़ी पतले लगे. ये जो छोटी छोटी बेलीज होती है ना, उनके लिए ठीक है, बट फॉर डीप हील्स एंड ऑल ना, ये इतना मोटा पैच काफ़ी सेफ रहेगा, बिकॉज ये पूरा अच्छे से कवर करता है. काफ़ी जो इंडियन फंक्शन वाली हील्स होती है, बिकॉज साल में एक ही शादी आती है, एक ही बार जाना होता है, सो मैं उनके ऊपर स्टिक नहीं करती. इसको नॉर्मली ऐसे इंसर्ट कर दो, स्टिकर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा. यू कैन रीयूज इट मल्टीपल टाइम्स, एंड इट्स लाइक अ लाइफ सेवियर. द थर्ड आइटम इज समथिंग वेरी वेरी अंडर रेटेड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दोज डेज, विच इज अ पैंटी लाइनर. काफ़ी लड़कियों को पता होगा, बिकॉज आजकल काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं, एड्स आपको सोशल मीडिया पर देखते होंगे, एंड यू नो इट, बट स्टिल आपने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया होगा, आपने ट्राई नहीं किया होगा. आई एम suggesting you girls please try it. So if you don't know, panty liners are like small kind of pads. I'll just show it to you guys, girls. ऐसे दिखता है, ये छोटा सा होता है.
सो बेसिकली इसका यूज़ क्या है, नंबर वन यू कैन यूज़ इट ड्यूरिंग डिस्चार्ज पीरियड बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम लाइक वीक्स एक दो वीक पहले काफ़ी लड़कियों को डिस्चार्ज इशूज होते हैं. सो पैंटी लाइन इज समथिंग यू कैन यूज इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टे इन योर अंडर गार्मेंट्स. कभी कभी क्या होता है, वी हैव इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ मीटिंग है, आपको वहाँ पे जाना ही जाना है, यू आर लाइक अनश्योर कि आपकी पीरियड डेट आने वाली है नहीं आने वाली. सो जस्ट फॉर द सेफ्टी थिंग यू कैन अप्लाई दिस एज वेल. अदरवाइज मैं इसको मेजरली यूज करती हूँ फॉर द लास्ट डेज, जो पीरियड्स के लास्ट डेज होते हैं ना, उस टाइम खाली हल्का हल्का फ्लो होता है, ज़्यादा हैवी फ्लो नहीं होता. सो इतना बड़ा एक्सेल लार्ज साइज का जो पैड्स होते हैं वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको भी अनकंफर्टेबल रहेगा एंड वो भी एक तरह से वेस्ट ही होगा. सो इन दोज डेज आई रियली लाइक इट, वेरी वेरी कंफर्टेबल, ब्रीदेबल. मैं जिस ब्रांड के यूज़ कर रही हूँ, दीज आर फ्रॉम द ब्रांड एवरटीन. मैंने इसका रिव्यू भी यूट्यूब पे किया था आई गेस लास्ट ईयर. दीज आर डेली पैंटी लाइनर्स, इंडिविजुअली रैप्ड है. सो मैंने अपने हर एक स्लिंग बैग्स के अंदर भी डाला हुआ है जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज. एंटी बैक्टीरियल इनकी स्ट्रिप है, ओडर कंट्रोल है, ब्रीदेबल, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज ये 100% कॉटन है. एंड आजकल मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ मैं कॉटन वाले ही सैनिटरी नैपकिन पहनूँ, वो वाला एरिया आपका डार्क नहीं होता, ज़्यादा इचिंग नहीं होती. एंड इसके अंदर 30 लाइनर्स आते हैं, द MRP इज 166, लेकिन अमेजोन पर आपको शायद और चीपर प्राइस में मिल जाएगा अगर उस टाइम डील चल रही होगी. आई जस्ट लिंक इट डाउन बिलो, यू कैन चेक इट आउट. आइटम नंबर 4 इज फॉर ऑल द ऑयली स्किन गर्ल्स आउट देयर जस्ट लाइक मी. हमारी स्किन जो तेल की खान होती है, हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर डेज जिस दिन हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करते हैं, हमारा कोई वेडिंग फंक्शन है, इवेंट में जाना है, एंड वहाँ पे अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर लोगे, कोई मेकअप वाइप यूज़ कर लोगे, तो आपको मेकअप भी हट सकता है. सो वी वॉन्ट कि मेकअप भी इंटैक्ट रहे और हमारा ऑयल भी जो है, एक्सेसिव ऑयल जो है वो भी हट जाए. मेनी पीपल व्हाट दे डू, दे यूज़ कॉम्पैक्ट, एंड वो भी थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है. एकदम ऑयली स्किन के ऊपर कॉम्पैक्ट भी यूज़ नहीं करना चाहिए, आपका मेकअप और ज़्यादा केकी हो जाएगा. सो फॉर दोज गर्ल्स दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड. सो दीज आर शाइन कंट्रोल टिश्यूज, ऑल क्लियर एक ब्रांड जो है वो भी ये बनाती है. आई डोंट नो वो इंडिया में अवेलेबल क्यों नहीं है, बाहर काफ़ी ज़्यादा वो अवेलेबल है. मैंने ये खरीदे हैं फ्रॉम द ब्रांड QVS. न्यू यू जो स्टोर है, जो काफ़ी सारे मॉल्स में आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको ये ब्रांड मिलेगी QVS. एंड ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. यू कैन जस्ट टेक वन शाइन कंट्रोल टिश्यू आउट, लेट मी जस्ट पुल इट आउट. या सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बिल्कुल बटर पेपर की तरह होता है ये. एंड आई जस्ट शो यू रियल टाइम, मेरी नोज सबसे ज़्यादा ऑयली होती है, माई फोरहेड एंड माई टी जोन. एंड एज यू कैन सी, मैंने अभी अच्छा खासा मेकअप कर रखा है, एंड आई वॉन्ट कि मेरा मेकअप हाईलाइटर कहीं ना जाए, लेकिन स्टिल मेरा ऑयल जो है वो निकल जाए. आई डोंट नो माई कैमरा कैन कैच ऑर नॉट, यू कैन सी द डिफरेंस. लाइक ये पूरा जो नीचे का एरिया है, इट्स लाइक ऑयल, हद से ज़्यादा जो ऑयल सिक्रीट हो रहा था मेरे फेस से, पूरा इसने हटा दिया है. एंड इसको हटाने के बाद देन आई यूज़ अ कॉम्पैक्ट, उससे मेकअप भी सेट हो जाता है, एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है, एंड मेरा फेस एक तरह से ग्रीस बॉल नहीं लगता. सो डेफिनेटली मस्ट बाय. अगर मुझे कोई चीपर ऑल्टरनेटिव मिलता है ऑनलाइन, मैं डेफिनेटली नीचे लिंक कर दूंगी. आइटम नंबर 5 इज माई रीसेंट डिस्कवरी, बिकॉज क्वारंटीन चल रहा है, स्टे एट होम चल रहा है, हम ज़्यादातर पार्लर नहीं जा पा रहे. पार्लर खुल गए हैं बट स्टिल हम सेफ्टी पर्पज़ की वजह से अभी विजिट नहीं कर रहे. वी आर डूइंग वैक्सिंग ऑन आर ओन. एंड क्या होता है ना, अगर आपके पास वो टिन वाली वैक्स होती है ना, आप उसको गैस पे रखते हो, हीट करते हो, बहुत लंबा एक प्रोसेस हो जाता है. एंड अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो और भी ज़्यादा अनॉइंग हो जाता है. सो फॉर दैट वी हैव अ माइक्रोवेवेबल जार वैक्स. ये मेरी रीसेंट डिस्कवरी है, मैंने नायका पर ये देखा था, लाइक 60-63 रुपीज़ का मिल रहा था, विच इज़ लाइक सुपर चीप. एंड इसके फ्रंट में लिखा होता माइक्रोवेवेबल जार, एंड आई वाज लाइक वाओ, वी हैव अ जार जिसको आप डायरेक्टली माइक्रोवेव कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो. मैंने इसका ट्यूटोरियल अपने इंस्टाग्राम की रील्स पर डाला था. सो जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, गो देयर एंड फॉलो मी. वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे रिव्यूज़ मिल जाएंगे. आई जस्ट इंसर्टेड हेयर एज वेल. कुछ नहीं करना, नॉर्मल इसको खोलना है. इसके साथ एक ये लिड आती है, यू जस्ट हैव टू रिमूव इट. काफ़ी चिप चिप वाला सिनेरियो हो गया बिकॉज ये मैंने दो बार यूज़ करी है. दिस हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. बॉडी केयर ब्रांड है लेमन हनी, एंड मैंने काफ़ी सारी यूज़ कर ली है. इस जार को डायरेक्टली आपको माइक्रोवेव के अंदर रखना है, एंड लाइक लिटरली 60 seconds के अंदर या फिर 1 minute 20 seconds के अराउंड ये बिल्कुल मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई थी, एंड देन यू कैन यूज़ इट. लाइक इट्स वेरी 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 कन्वीनियंट. काफ़ी दिन होते हैं कि हमें अर्जेंटली कहीं जाना है एंड टाइम नहीं है फालतू में इतना ज़्यादा हीटअप करने का. सो लिटरली आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एंड कंप्लीट लाइफ सेवियर फॉर मी. काफ़ी सस्ती भी है. मैंने इसके और वेरिएंट देखे थे, इस बार मैंने सोचा था मैं इसके और वेरिएंट मंगाती हूँ, लेकिन मैंने उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करी. लाइक इसका एक स्ट्रॉबेरी वेरिएंट था, उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर लिखा था कलर एंड फ्रेग्रेंस. सो कोई फर्क नहीं है, इंग्रेडिएंट यही था, उन्होंने एक्स्ट्रा उसके अंदर कलर फ्रेग्रेंस डाला हुआ था उसको स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड आप ये लेमन हनी वाला नॉर्मल फ्लेवर लो. Amazing, it actually worked on me and I'm very 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 impressed. Like इतने low price पे, and also इनके claims के ऊपर भी लिखा हुआ है, this is paraben free, formaldehyde free, and this is PETA certified and cruelty free. Like how amazing is that? I'm shocked कि इतने cheap price पे कैसे available है.
आइटम नंबर 6 इज समथिंग जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, दे नो अबाउट इट। एंड मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टॉप 5 एक्ने ट्रीटमेंट्स की बात करी थी। वन ऑफ देम इज स्पॉट पैचेस। लाइक अगर आपको एक्ने पिंपल नहीं भी होते ना, काफी लोगों को बहुत रेयर एक दो पस्ट्यूल हो जाता है या फिर एक दो पिंपल्स आते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, यू आर लाइक मुझे इसको हटाना ही हटाना है, सो यू हैव टू बाय अ स्पॉट पैच। दिस इज लाइक द क्विकेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड जिसके थ्रू आप अपने पस्ट्यूल या पिंपल को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हो। लाइक लिटरली रात को लगाओ, सुबह उठोगे इसको हटाओगे, वो पिंपल या पस्ट्यूल जो होगा पूरा ओपन अप हो जाएगा, क्लीन आउट हो जाएगा। वो वीडियो जाके देखो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। मेरे पास डॉक्टर बेलमर के भी, आई फाइंड इट बेटर दैन दिस पर्टिकुलर वन, मैंने पूरा उस वीडियो में समझाया हुआ है, जस्ट लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन चेक इट आउट। आइटम नंबर 7 इज फॉर ऑल द गर्ल्स जो परेशान है अपने फ्रिजी बालों से, एंड स्पेशली वेन वी हैव अ मीटिंग और स्पेशल ओकेजन, तो जो फ्रिजी बाल होते हैं ना वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगते, एंड वी डोंट वॉन्ट टू यूज़ अ प्रेसिंग मशीन, सो वी हैव अ थिंग कॉल्ड अ स्ट्रेटनर ब्रश। मैंने इसके अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने कंपेयर किया कि स्ट्रेटनर ब्रश वर्सेज प्रेसिंग, लाइक प्रेसिंग मशीन कैसे वर्क करती है। आई हैव फ्रॉम द ब्रांड एलन ट्रूमैन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ अब क्या होता है, जो प्रेसिंग मशीन होती है इट्स लाइक हीटिंग प्लेट्स, दोनों साइड होते हैं, लिटरली आपने बालों को दबाते हो उस हीटिंग प्लेट्स के बीच में, एंड डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे यूज करने से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। बट लाइक मेरे बाजू में हल्के हल्के वेवी हैं, दिस इज माई नेचुरल हेयर बाय द वे, मैंने कोई भी तरह का ड्रायर कुछ भी यूज नहीं किया, दिस इज हाउ माई नेचुरल हेयर लुक्स लाइक, नॉर्मल जो शैम्पू एंड ऑल करके जो मैं ड्राई करती हूँ। अब ऐसे कभी कभी बालों में क्या होता है, नीचे हल्के हल्के कर्ल हैं, यहाँ पे हल्का हल्का वेवीनेस जा रही है, थोड़ी थोड़ी फ्रिजीनेस है, सो आई जस्ट यूज दिस एक मीडियम टेम्परेचर पे इसको रखती हूँ, एंड सिर्फ ऐसे करना है, कोम करना अपने बालों को, अभी बंद है तो ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा, एंड लिटरली फ्रिज एंड जो भी लाइक वेवीनेस होती है ना उसको बिल्कुल हटा देता है, बाल हल्के से प्रेजेंटेबल भी लगते हैं, एट द सेम टाइम मेरे बाल इतने डैमेज नहीं हो रहे बिकॉज इसके बीच में जो है वो हीटिंग प्लेट्स हैं, सो मेरे बाल दब नहीं रहे या फिर हद से ज्यादा डैमेज नहीं हो रहे। ऑब्वियसली यू नीड टू यूज अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या फिर जो भी आप लिव ऑन या फिर जो भी सीरम यूज करते हो ताकि कहीं ना कहीं एक लेयर बन जाए आपके बाल ज्यादा डैमेज ना हो, बट स्टिल काइंड ऑफ बेटर देन अ स्ट्रेटनर मशीन। आइटम नंबर 8 इज अगेन फॉर योर फ्रिजी हेयर, बट ये कहीं ना कहीं नेचुरली उसको कंट्रोल करता है, विच इज अ माइक्रो फाइबर हेयर टॉवल। मतलब इतनी ज्यादा अंडररेटेड चीज है ना, आई डोंट नो व्हाई मेनी गर्ल्स डोंट यूज इट। जो नॉर्मल टॉवल होता है ना, बाय द वे वो माइक्रोफाइबर का नहीं होता, उसका फाइबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आप अगर उससे अपने बालों को टाई अप करोगे कहीं ना कहीं रैप करोगे तो इतना बड़ा जो बॉडी का टॉवल होता है वो माइग्रेन दे देता है सर पे, एंड ऑल्सो वो फाइबर्स अच्छे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं आपके बालों के लिए बहुत हार्श होते हैं। वेयर एज दीज काइंड ऑफ टॉवल्स आर मेड ऑफ माइक्रोफाइबर, ये फास्ट एब्जॉर्बिंग होते हैं, फटाफट आपके जो बालों का पानी होता है वो एक तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, माइक्रोफाइबर के होते हैं, सो आपके बाल भी इससे डैमेज नहीं होते, आपके फ्रिज को काफ़ी ज़्यादा हद तक ये कंट्रोल करते हैं, एंड मेरे वाला काफ़ी बुरी हालत में है बिकॉज मैं बहुत से यूज कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ऑरिफ्लेम। अब ऑनलाइन आपको बहुत सारे सस्ते सस्ते माइक्रोफाइबर टॉवल्स भी मिलेंगे, बट मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन अ नाइस वन। जो सस्ते वाले टॉवल होते हैं ना वो नॉर्मल टॉवल से उन्होंने ऐसी एक शेप बना दी है एंड दे आर सेलिंग इट, लेकिन वो माइक्रोफाइबर नहीं है। इन्वेस्ट इन अ नाइस माइक्रोफाइबर टॉवल। इसको कैसे यूज करना है, नॉर्मल आपने शैम्पू जो भी किया गीले वाला आपने फ्रंट में बेंड किया, यू जस्ट हैव टू वेयर इट लाइक सो, एंड आप जो भी ट्विस्ट करना चाहते हो उसको अच्छे से ट्विस्ट करना है। नीचे एक हुक दिया होता है, हुक को आपको यहाँ पे एक बटन दिया होता है हेड के ऊपर, बटन को ऐसे लॉकअप कर देना है, ये लिटरली यहाँ पे लॉक रहेगा। एक तो काम करना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज जब तक आपके बाल ड्राई हो रहे हैं लिटरली एक पूरा अच्छे से टाई अप हो जाता है आपके सर के ऊपर, सो आप बिल्कुल इजीली अपना जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो, एंड थोड़ी देर में जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फ्रिज को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। सो दिस इज समथिंग वेरी अंडररेटेड बट अ डेफिनेट मस्ट बाय। आइटम नंबर 9 हैज टू बी द मोस्ट वियर्डेस्ट परचेज ऑफ माई लाइफ। लाइक मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों खरीदा, लिटरली इन्फ्लुएंस में आके खरीदा है बिकॉज मैंने काफी लड़कियों के शीन हॉल्स देखे हैं, लॉन्ड्री हॉल्स के अंदर देखा है, एंड दे वर रिकमेंडिंग दीज काइंड ऑफ स्टिकर्स। सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड निपल स्टिकर्स। सो देर आर टाइम्स जब हमारी जो ड्रेस होती है ऑफ शोल्डर या फिर जो गाउन होते हैं और डीप होते हैं, यू कांट वेयर अ फुल ऑन ब्रा ऑन लाइक इन साइड इट, सो उसकी जगह आप ये यूज कर सकते हो, दे कैन कवर दैट पर्टिकुलर एरिया एंड आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी लगता है। काफी सारी ड्रेसेस के अंदर जो होती है ना शेप ऑलरेडी बनी होती है, जो ब्रा की शेप होती है विद पैडिंग एंड ऑल, बट स्टिल वी वॉन्ट कि थोड़ा सा वो वाला एरिया अच्छे से कंसील हो जाए फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ये कुछ इस तरह से दिखती है, मतलब बिल्कुल एक तो दिखने में बड़ी अजीब सी है, बिल्कुल फ्लैश जैसा होता ना ऐसा दिखता है ये, एंड सेंटर वाला पार्ट में स्टिकिंग नहीं है ऑब्वियसली, बाकी सारे पार्ट में आपको स्टिकिंग मिलेगी। आप इसको यहाँ से रिमूव करोगे, यू कैन अप्लाई इट ईजी एंड देन यू कैन रिमूव इट एट नाइट। काफी कंफर्टेबल है, मैंने एक बार लगा के देखी थी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनको पहनने में।
और दीज आर बेटर फॉर लाइट बस्ट काइंड ऑफ गर्ल्स. अगर आपकी बस्ट जो साइज है काफी ज्यादा हैवी है, यू कैन गो फॉर द लॉन्गर वन. मैंने अपनी शायवे हॉल के अंदर वो दिखाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था जो बड़े वाली आती है, उसका मटेरियल भी कुछ इस तरह से ही होता है, लेकिन वो फुल कवरेज होती है एंड सेंटर में उसके हुक होता है जस्ट टू प्रोवाइड यू अ लिटिल बिट सपोर्ट एज वेल. सो यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर वन एज वेल. आई जस्ट इंसर्ट द शायवे हॉल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली गो एड एंड चेक इट आउट. आई हैव अनदर स्टिकर विच आर बेसिकली फॉर क्लोथ्स. सो काफी बार क्या होता है, हम डीप नेक कुछ पहनते हैं, फिर जो गाउन होता है, फिर जो भी आप टॉप एंड ऑल पहनते हो, शर्ट्स होती हैं काफी सारी जिसके सेंटर पार्ट से वो खिंच रहा होता है. सो यू कैन यूज दीज पर्टिकुलर स्टिकर्स. द नेम इज स्टिक फिक्स. ये मैंने अपने आई गेस स्मिटन के हॉल में दिखाया था, मैंने स्मिटन के ट्रायल्स में से पिक किया था. इसकी पैकेजिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है दिस फॉर ट्रायल नॉट फॉर सेल, बट चार पांच हैं सो सेफ्टी पर्पज के लिए मिल ले चल जाएंगे. सो बेसिकली डबल टेप जैसे दिखते हैं, बिल्कुल पतली पतली ये टेप्स हैं. आप इसको एक साइड स्किन के ऊपर लगाओगे, पील करोगे, अपने क्लॉथ के ऊपर लगा सकते हो एंड होल डे वो कहीं ना कहीं बज नहीं होगा. सो दीज आर वेरी लाइक टाइनी हैक्स काइंड ऑफ थिंग जो कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं. लास्ट थिंग इज वेरी 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 अंडर रेटेड, स्पेशली जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, मतलब उन्हीं के ही काम की है, लेकिन काफी ज्यादा अंडर रेटेड है बिकॉज मैं पहले ही नहीं खरीदती थी. मुझे ऐसा लगता था एक लेंस क्लीनर लेने की क्या जरूरत है, नॉर्मल कुछ भी पानी वानी मार के ऐसी साफ कर लो, बट ऐसा नहीं होता. जो हमारे स्पेक्स जो हम डेली बेसिस पे पहनते हैं ना, उसके ऊपर फिंगर लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, जो हम नॉर्मल कपड़े से भी उसको वाइप करते हैं ना, उसके पैटर्न उसके ऊपर आ जाते हैं, वो क्लीन नहीं होता. एंड ट्रस्ट मी, जब वो जो डर्टी या फिर हल्का सा ब्लरी जो हो जाता है ना, अगर आप उसके थ्रू हद से ज्यादा टीवी मोबाइल या जो भी आपका स्क्रीन टाइम स्टडीज होती है आप वो करते हो, आपकी आइज के ऊपर स्ट्रेन पड़ सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं आपका व्यू क्लियर नहीं होता. सो मैंने लास्ट टाइम जब अपने स्पेक्स बनवाए, मैंने देखा उनकी शॉप के ऊपर रखा होता था, लाइक चलो एक छोटा ट्राई करके देखते हैं. दिस फ्रॉम रैंडम ब्रांड SOA एंटी रिफ्लेक्टिव लेंस क्लीनर. आप इसको लैपटॉप मोबाइल एंड टैबलेट पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अपने स्पेक्स पर ही यूज करती हूँ. बिल्कुल कॉम्पैक्ट ही पैकेजिंग है, स्प्रे फॉर्म में आता है एंड इट एक्चुअली वर्क्स. अपने स्पेक्स के ऊपर दोनों साइड से स्प्रे करो एंड जो कपड़ा वो देते हैं स्पेक्स के साथ उसी से क्लीन करो, उससे ज्यादा अच्छा क्लीन होता है एंड योर लेंस आर लाइक स्क्वीकी क्लीन. लिटरली इसको यूज करने के बाद ना एक बिल्कुल क्लीन एक दुनिया दिखने लग जाती है, वेरी वेरी क्लीन एंड बिल्कुल भी आइज के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ता. सो हाईली हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल द गर्ल्स एंड गाइज जो स्पेक्स पहनते हैं. एंड दैट इज इट फॉर माई लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स विच आई फाइंड वियर्ड, अंडर रेटेड और काइंड ऑफ लाइफ हैक काइंड ऑफ थिंग्स. मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना इन सब में से कोई चीज जो आपके पास ऑलरेडी है या फिर आपने फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देखा जो आपको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है. मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड सम अमेजिंग अमेजिंग रिव्यूज ऑन इंस्टाग्राम. शॉर्ट रिव्यूज मैं यहाँ पे करती रहती हूँ एंड जो भी डील्स एंड अपडेट्स आते हैं मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट करती हूँ. सो क्विक अपडेट्स के लिए वहाँ पे मुझे जरूर फॉलो करना. ऑल्सो आई एम प्लानिंग अ गिवअवे जो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर ही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली. सो मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली. आपने नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट कर दिया होगा, यहाँ पे आपको सारी मेरी पुरानी वीडियोस दिख जाएंगी जो मैंने पहले बनाई है शॉपिंग हॉल्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स, स्किन केयर, एक्ने स्किन केयर के बारे में. यू कैन गो एड एंड वॉच इट एज वेल एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लव्ड इट एंड यू काइंड ऑफ लर्न समथिंग न्यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. बाय बाय.